Hello students, how are you? I am Sumit Ghosh. Today we are here to study the first chapter of Standard 1 English Literature book. And the name of the first chapter is In the Heart of a Seed. So student, let me explain you in Hindi. जैसे कि आपको पता है कि इस poem का नाम है In the Heart of a Seed और इस poem की poetress मतलब कवित्री जो है उनका नाम है केट ब्राउन. इस कविता के माध्यम से कवित्री ने ये बताया है कि किस तरीके से एक नन्हा सा बीज एक बड़ा सा पेड़ बनता है, किस तरीके से वो मिट्टी मिट्टी के अंदर होता है, फिर वो धीरे धीरे एक नन्हा सा पौधा बनता है, फिर वह एक बड़ा सा पेड़ बनता है. एक नन्हा सा बीज किस प्रकार एक बड़ा सा पेड़ बनता है, ये उसकी कहानी है जिसको कवित्री ने कविता के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द पोयम. इन द हार्ट ऑफ अ सीड बरीड डीप सो डीप अ डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट अस्लीप वेक सेड द सनशाइन एंड क्रीप टू द लाइट वेक सेड द वॉइस ऑफ द रेनड्रॉप्स ब्राइट. The little plant heard and it rose to see what the wonderful outside world might be. Okay, now students, you know how to read this poem. So students, you have to read this poem at your home. Now, let me explain this poem. In the heart of a seed बरीड डीप सो डीप. इसका मतलब है कि एक बीज के सीने में, ठीक है ना, बहुत ही गहराई में दबा हुआ है, ठीक है. अ डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट अस्लीप, एक नन्हा सा प्यारा सा पौधा जो सोया हुआ है. कहाँ सोया हुआ है वह नन्हा सा प्यारा सा पौधा? एक बीज के सीने में, बहुत ही गहराई में. वेक सेड द सनशाइन एंड क्रीप टू द लाइट. सनशाइन कहती है उठो और प्रकाश की ओर बढ़ो. वेक सेड द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट, चमकीले वर्षा की बूंदे कहती है उठो. द लिटिल प्लांट हर्ड एंड इट रोज टू सी, उस नन्हे से पौधे में जो कि एक बीज के सीने में गहराई में दबा हुआ है, तो उस नन्हे से पौधे ने उसको सुना और वह देखने के लिए उठा. व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, कितना प्यारा है यह दुनिया, कितना प्यारा है ये बाहर की दुनिया. नाउ स्टूडेंट्स, यू नो हाउ टू रीड दिस पोएम एंड यू नो What is the meaning of this poem? Okay, now look at here. Here is word zoomer. Buried. Buried means something put or laying hidden deep inside the ground. Next one is dear. Dear means loved. Next one is creep. Creep means move very slowly. And the last one is rose. Rose is a past tense of rise, okay, and it means stood up. Okay, you know the poem, how to read this poem, you know the hard words, how to read these words also. So students, you have to learn this poem, you have to learn the hard words, you have to do this.